तो जाए तो शादाब खान का कॉन्फिडेंस हाई है, कैप्टन है, परफॉर्म कर रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की मिसाल है। आज उन्होंने 4 विकेटें ली, पिछले मैच में भी 4 विकेटें ली थी और उससे पहले 5 विकेटें ली थी, तो कप्तान की परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए फिर टीम तगड़ी होती है। नहीं देखिए ना, अगर आपने 7 विकेट ली है मगर टीम का टोटल तो 225 हुआ, ठीक है ना, तो आप एक सेकंड दूसरे हैंड से क्या हो जाता है, यानी कोई फायदा नहीं। मैंने 5 आउट किए उससे क्या, ठीक है ना, मगर टीम ने, हाँ अगर 5 आउट किए और टीम उनकी 100वें आउट है ना, दैट इज इमाद के बल के 5 आउट किए। अब पूछा जाए जो 7 भी आउट किए वो भी कुछ नहीं, क्योंकि आप मैच भी हार गए और इतने टोटल जो होने नहीं चाहिए, 7 का मतलब 7 विकेट आपने कब लिए, एंड में लिए तो वो तो फिर कोई मायने नहीं रखता। विकेट आपको शुरू में लेनी चाहिए और शुरू के बाद आप नीचे जाते हैं, सामने वाली टीम नीचे जाती है, रोकते हैं, इतने रन भी बनते हैं, 4 विकेटें गिर जाए तो पता चला वो 15 ओवर तक कोई ना कोई खेलेगा और रन ना हो कोई बात नहीं, क्योंकि विकेट कौन, 5 बैट्समैन से ज़्यादा नहीं होते, 4 बॉलर होते हैं आपके, 1 ऑलराउंडर, 5 और 5 और वो इस तरीके से। तो भाई अब ये जो बाबर आजम जो कह रहे थे कि जो हमने कराची में गलतियाँ की, अब हम जब लाहौर जाएंगे तो उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, ये कौन सी गलतियाँ जब इन्हें पता है कि ये गलतियाँ यहाँ यहाँ हम गलत हैं, तो ये 5 मैचेस में उसको सही क्यों नहीं कर सके, किसी एक गलतियां करेंगे नहीं गलतियां करके दोहराएंगे नहीं। अगर मैं देखा होता टोटली देखा होता तो कुछ कह भी सकता था, मगर ये तो वेरी बड़ा अच्छा प्लेयर है और वन ऑफ द बेस्ट है इसमें और खेलते सीधे, ठीक है, इनकी शफलिंग नहीं है, कुछ नहीं है और बॉल भी पिक अच्छा करते हैं, जैसे कल मैंने गुड स्ट्राइक ऑफ द बॉल ना, मगर क्रिकेट में ये चीज़ तो होती है, मगर अभी लाजिम बात है यंग है इतने ज़्यादा नहीं है, अभी एक्सपीरियंस आता जाएगा, आई एम श्योर अभी ये एक्सपीरियंस से अब और आगे जो है ना कप्तानी का प्रेशर ले लिया गया, क्योंकि कप्तान जब तक नहीं थे बाबर आजम तो आप देखें मिस्टर कंसिस्टेंट कहलाते थे, हर मैच में 40-50-60 करते थे। अगर बाबर आजम को मैं अगर उनको बताऊं तो मैं उनको कहूं कि भाई आप अपना आराम से, क्योंकि तुम पर है ना बहुत रिलाई करेगी पाकिस्तान के, तो आपने अपनी क्रिकेट जो है ना प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, एक्सरसाइज दबाव करनी है, अपने शॉट जो है जो आप खेल रहे हैं ये आप खेलते रहें एवरी डे 10-15-20 में, यानी इनको आधा 1 घंटा डेली अपने लिए, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बिल्कुल प्लेयर, और अगर आप जब नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो आपके अंदर फॉल्ट शुरू हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।